अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामीने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज क्या है? आज भगवान जगन्नाथ देव जी के जो सुंदराचल यात्रा है उसका आज अधिवास तिथि है। मतलब स्नान यात्रा के बाद एक पक्ष तक अस्वस्थ लीला करने के बाद कल जगन्नाथ देव जी प्रातः काल में श्री मंदिर से पोहंडी विजय करते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर रथ में आरूढ़ होकर के गमन करेंगे। कल जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा महामहोत्सव है, इसलिए भगवान के आगमन के पूर्व और भगवान के आगमन के पश्चात दोनों ही बड़े विशेष माना जाता है। इसीलिए आज का तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषता क्या है इस तिथि का, गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्या विशेषता है? आज गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव है। भगवान गुंडीचा मंदिर में कल को पधारते हैं, इसीलिए पूर्व काल में ऐसा व्यवस्था था कि भगवान के आगमन के पूर्व वो लोग वहां पर राज कर्मचारी मिलकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया करते थे, क्योंकि जगन्नाथ देव श्री मंदिर में विराजमान रहते हैं और रथ यात्रा के दौरान 9 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में पधारते हैं। इसी कारण से पूरा वर्ष वो मंदिर खाली रहने के कारण, रिक्त रहने के कारण बहुत सारा धूल मिट्टी इत्यादि वहां पर जम जाता है। इसीलिए राज कर्मचारी वो क्या करते हैं, एक दिन पूर्व ही नौकर चाकरों को लगाकर उस स्थान को बड़े सुंदर तरीका से साफ सुथरा करके रख देते हैं। हमारे लिए इस तिथि का वैशिष्ट क्या है? श्री चैतन्य देव ने इच्छा किया काशी मिश्र जी के आगे, सार्वभौम भट्टाचार्य के आगे और महाराज के आगे, इन सब के आगे अपना प्रस्ताव को रखा कि अब से हम लोग प्रतिवर्ष इस गुंडीचा मार्जन को करेंगे। इसीलिए गौड़ी वैष्णव के लिए गुंडीचा मार्जन भी एक महोत्सव है, क्योंकि महाप्रभु ने
इसका व्यवस्था दिया। वास्तविकता में गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल बोल करके हम लोग समझते हैं, मतलब है कि गुंडीचा मंदिर वृंदावन का स्वरूप है, व्रज का स्वरूप है। यहाँ तक कि जगन्नाथ देव जी के जो सेवक है, निजी सेवक, उनके हृदय के अंदर भी गुंडीचा मंदिर के प्रति यही भाव है। शास्त्रों में इसी भाव को वहां पर रखा, इसीलिए जो लोग वहां पर लगातार जाते हैं उनको मालूम होता है जगन्नाथ देव का जो सेवा जो श्री मंदिर में किया जाता है, जो कि नीलांचल में किया जाता है, ऐश्वर्यमयी सेवा जो कि द्वारिका के भाव से किया जाता है, वास्तविकता में जब हम लोग वही जगन्नाथ देव का सेवा सुंदरांचल में होते हुए दर्शन करते हैं तो हमें बहुत ही भिन्नता दिखलाई देगा। मतलब गुंडीचा मंदिर के अंदर जगन्नाथ देव जी का सेवा विश्रम्ब भाव से होता है। जिस प्रकार से श्री श्याम सुंदर की सेवा ब्रज में होता था, उसी क्रम में उसी प्रकार यहाँ पर भी श्री जगन्नाथ देव जी का सेवा सुंदराचल में चल रहा होता है। इसीलिए जगन्नाथ देव जी की एक लीला विशेषता है, वो ये कि जगन्नाथ देव का पूरा वर्ष श्री मंदिर में दर्शन करना और ये 9 दिन के अंदर नवमी तिथि को गुंडीचा मार्जन के अंदर दर्शन करना वो बड़ा ही विशेष माना गया है। मतलब जगन्नाथ देव जब गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं और उनके वहां पर वास करते हुए जो नवमी तिथि के दिन जगन्नाथ का दर्शन करता है, उसको पूरा वर्ष जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ देव का दर्शन करने का फल लाभ होता है। इतना ही नहीं, जो लोग जगन्नाथपुरी जाके नवमी का दर्शन करके जगन्नाथ देव का प्रसाद को लेकर 5-7 भक्तों को भोजन कराता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकता। ये बात परम पूज्य पाशल भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से पुरुषोत्तम धाम के अंदर श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये तो सौभाग्य की बात है। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं। गुंडीचा मंदिर को वास्तविकता में वृंदावन का संज्ञा दिया गया है, शास्त्र उसको व्रजधाम मानते हैं और नीलांचल को श्री मंदिर को द्वारिका का भाव में मानते हैं। प्रेम के उन्माद अवस्था के अंदर, प्रेमोन्माद अवस्था में भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ होकर क्या कर रहे हैं, वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। अब बात ये आता है, ब्रज धाम अत्यंत पुनीत धाम है और उस धाम के एक एक धूलिकण भी चिन्मय होने के कारण ब्रज धाम के अंदर का वो जो चिन्मय रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता दुर्लभ और सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं, तो ऐसे मंदिर में जाके मार्जन करने की क्या आवश्यकता है, इस चीज को हमें समझना होगा। उसी के लिए बतलाया जा रहा है, वास्तविकता में ये वृंदावन धाम का मार्जन नहीं है, ये वास्तविकता में गुंडीचा मंदिर का मार्जन नहीं है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर जो गुंडीचा है वो वृंदावन है और वो नित्य पवित्र निर्मल स्वच्छ शीतल और अद्भुत रूप से अवस्थित है, विराजमान है। यहाँ पर मार्जन किसकी जरूरत है, वो बोलते हमारे हृदय की, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए चित्त दर्पण को मार्जन करने के लिए ही वो गुंडीचा मंदिर मार्जन का व्यवस्था वहां पर दिया है। गुंडीचा मंदिर जिस प्रकार से रिक्त है,
और जगन्नाथ देव जी वहां तभी जाएंगे जब वो मंदिर पूरी तरह से साफ सुथरा होगा। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी आज कृष्ण के बिना रिक्त होकर के पड़ा है, खाली पड़ा है। भगवान के बिना हमारे हृदय के अंदर भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहां पर बताया, अगर हम चाहते हैं कि गोविंद हमारे हृदय में विराजमान हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो बोलते हैं चित्रूपी मंदिर का मार्जन करो। हमारे मन को मार्जन करना है, साफ करना है, वही अधिवास है। वृंदावन धाम को साफ नहीं करना, भगवान वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि भगवान गुंडीचा मंदिर के निकट में ही प्रकट हुए हैं। जब विद्यापति ने नीलमाधव का दर्शन करके वापस आके महाराज इंद्रदुम्न से कहा कि प्रभु, मैंने तो नीलमाधव जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, तो राजा तुरंत ही नीलमाधव के दर्शन के लिए वहां से निकलने का कोशिश करते हैं। लेकिन नीलमाधव के आदेश से नीलमाधव जी ने कहा कि तुम्हारे आने से भी मेरा दर्शन तुम्हें संभव नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ही सन्निकट भारत के वो पूर्वी तट पे जहां पर अभी श्री क्षेत्र धाम विराजमान है, वहीं पर मैं अवतीर्ण होऊंगा। इसीलिए वहां पर ही गुंडीचा मंदिर के नजदीक में बांचा मोहन करके एक जगह है, उस स्थान पे जिसको चक्रतीर्थ भी कहते हैं, भगवान दार ब्रह्म के रूप में, दार मतलब है लकड़ी, लकड़ी का स्वरूप में, काष्ठ के रूप में, समुद्र के उस श्रोत में भगवान वहां से इंद्रदुम्न महाराज के पास पधारते हैं। इसीलिए एक प्रकार से गुंडीचा मंदिर भगवान का आविर्भाव स्थान है, और ये गुंडीचा मंदिर महाराजा इंद्रदुम्न के जो धर्मपत्नी है उनका नाम है। जो हो, भगवान का प्रादुर्भाव वहां हुआ, इसीलिए भगवान वहां पर जाने के लिए, गुंडीचा के ऊपर कृपा करने के लिए वहां पर जाते हैं। और विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के पश्चात जब ब्रह्म सरोवर के अंदर उस महायज्ञ के अनुष्ठान के बाद जब ब्रजवासियों के साथ श्री श्याम सुंदर का मिलन होता है, और उन ब्रजवासियों के द्वारा मनाने पे वो ब्रज की ओर गमन करते हैं, वही रथ यात्रा होता है। उसके पूर्व में जो तैयारियां किया जाता है, उसी के अंतर्गत जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जी के आगमन पूर्व उस स्थान को बड़े ही अद्भुत रूप से सुसर्जित किया गया था, बड़े सुंदर रूप से सजाया गया था, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ देव जी का उस सुंदराचल में पधारने के उपलक्ष्य में क्या कर रहे, उसकी जो मार्जन करने का जो व्यवस्था है, वही गुंडीचा मार्जन है। और विशेष रूप से बाह्य मार्जन का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो वो पुरुषोत्तम धाम है, दूसरा पुरुषोत्तम धाम के अंतर्गत वो ब्रजधाम का प्रतीक है। इसी जिस प्रकार से कृष्ण कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ देव जी के दैत्यपति सेवकों के द्वारा, अंतरंग सेवकों के द्वारा जगन्नाथ देव जी का नीलांचल से सुंदराचल की जो यात्रा है, वही रथ यात्रा है। अब उसकी जो तैयारी है, उसी के अंतर्गत एक गुंडीचा मार्जन की व्यवस्था है। इसीलिए बोलते हैं अपने मन को मार्जन करो, चित्त को मार्जन करो। आप विचार करेंगे, इस संसार के अंदर बड़ी वैचित्रता है, लोग अपने मन को साफ नहीं करते, मन के अंदर गंदगी को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि भगवान उनके ऊपर अच्छी तरह से पूर्ण रूप से कृपा करें। भगवत कृपा को लाभ करना है तो उसके लिए अपने चित्त का मार्जित होना, शोधित होना अत्यंत आवश्यक है। जिसका मन में मलिनता है, उस व्यक्ति का
ऊपर भगवान का अनुग्रह किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए ही इस गुंडीचा मंदिर का मार्जन व्यवस्था दिया, गुंडीचा मंदिर के सफाई का व्यवस्था इसीलिए उन्होंने दिया। हमको भगवान चाहिए, उनकी लीला चाहिए, किसी को मधुर रस चाहिए, किसी को कोई रस चाहिए, लेकिन वास्तविकता या ये सब नहीं है तो कम से कम हमारा दुख निवृत्ति हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा, स्वयं को शोधित करना होगा। खुद को सुधारे बिना हम लोग बिल्कुल किसी भी कीमत पे भगवत कृपा को लाभ नहीं कर सकते हैं। ये चीज हम सबको अच्छी तरह से समझना होगा। इसीलिए यहाँ पर गुंडीचा मार्जन के नाम पे अपने चित्त को मार्जित करने का व्यवस्था वहां पे दिया। विशेष करके जो भक्त लोग भगवान के प्रेममयी सेवा की कामना करते हैं, भगवान की रसमयी सेवा की कामना करते हैं, उन लोगों के लिए तो इन चीजों का और भी अधिक महत्व हो जाता है। श्री चैतन्य देव ने इसीलिए जगत को अपने चित्त रूपी उस कक्ष का मार्जन के लिए सारी व्यवस्था दिया है। उसी को हम लोग श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के नाम से जानते हैं। अक्सर ये संसार के लोगों का ऐसा मानना है, मन में गंदा रख के भगवान की क्या आराधना हो सकता है। लेकिन मूर्ख लोगों को इस बात से अवगत नहीं है कि जब तक हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे ही नहीं, तब तक हमारे अंदर की जो मन की मलिनता है वो किस प्रकार से शोधित होगा। हमारे मन की मलिनता को साफ करने के लिए ही हमको भगवान के शरण में जाना होगा, और जब शरण में जाने के बाद जब मन मार्जित हो गया तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा के प्राप्ति के पूर्व हम लोगों को भगवान के ही शरण में जाकर अपने आप को शोधित करना होगा। जो हो, आज ये गुंडीचा मंदिर मार्जन का तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने असंख्य भक्तों को लेकर क्या करते हैं, श्री मंदिर में पहुंचते हैं, गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद सभी से आदेश किया सभी को कि आप लोग सब साफ सुथरा कपड़ा पहन के आना, नया कपड़ा पहन के आना। अक्सर जो लोग सफाई करने के लिए जाते हैं वो लोग गंदे कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि बाद में तो मिट्टी लग ही जाना। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का कभी भी समर्थन किया नहीं। वो हमेशा बोलते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए जब भी जाओगे तो अपने मन अपने आप को स्वच्छ वस्त्र धारण करके रखना होगा। इसलिए क्योंकि श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन भी भगवान की सेवा है, इसलिए सेवा जहां पर करने के लिए जाते हैं वहां पर हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र अथवा नवीन वस्त्र धारण करने का ही नियम है। और इतना ही नहीं, जो लोग सेवा करने के लिए आए हैं, श्री चैतन्य देव ने उन सब के माथे पे चंदन लगाया और सभी के गले में एक एक हार भी पहनाया। हार पहनाकर चंदन लगाकर श्री चैतन्य महाप्रभु सभी को सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोगों को इसी प्रकार से तैयारी अपने आप को करके वहां जाना होगा। जो लोग पुरुषोत्तम धाम में जाते हैं वो लोग देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर झाड़ू का बिक्री होता है। कोई कोई झाड़ू में दो तीन तिल होते हैं और इसी प्रकार से झाड़ू होता है, छोटा सा कुल्हड़ सा होता है, थोड़ा उधर पानी डाल के वो तिल्लियों से ऐसे ऐसे करके लोग आ जाते हैं। गुंडीचा मंदिर मार्जन वास्तविकता में, गुंडीचा मंदिर का मार्जन वास्तविकता में फॉर्मेलिटी नहीं है, वो है अंतकरण की शुद्धि। जब तक कि हमारे अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान उसमें विराजमान नहीं होंगे। इसीलिए बोलते हैं
जो हमारे अंतकरण की शुद्धता है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से झाड़ू के दो तीन तिल्लियों से कोई भी जगह साफ नहीं हो सकता, हमारे द्वारा भी किया गया नगण्य नामाश्रय से भी कभी भी हमारा चित्त का शोधन नहीं हो सकता। हम लोगों को नाम का आश्रय बड़ा विनयी और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना होता है, समर्पित भाव से करना होता है, आराधना की भाव से करना होता है, तभी भगवत कृपा से हमारे संस्कार शोधित होते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए नाम करना, अक्सर कई लोग होते हैं दो माला चार माला करके छुट्टी कर देते हैं और उसके बाद आशा लेकिन बहुत ज्यादा रखते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो जाए। कहाँ से होगा, जितना मतलब बेसिक मिनिमम जितना हरिनाम करने की आवश्यकता होता है और उतना भी अगर हरिनाम नहीं करेंगे आदमी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम हरिनाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमसे यही कहते हैं कि ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, या ये है, मकान है, दुकान है करके। लेकिन अगर हम विचार करें, जब घर में कोई गुजर जाए तो सारी काम सब कुछ एक तरफ हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए मरे हुए व्यक्ति का ही मूल्य अधिक है। और एक जैसे अगर हम चिंतन करें, वो दो तीन तिल्लियों वाला झाड़ू लेकर जिस प्रकार से हम अपने घर नहीं साफ कर सकते हैं तो गुंडीचा मंदिर कहां से मार्जन होगा। लेकिन एक फॉर्मेलिटी, उसी प्रकार से जब हमारे लिए हरिनाम फॉर्मेलिटी होता है तो हमारे ऊपर नाम प्रभु का कृपा किस प्रकार से संभव होगा, ये विचार करना है। इसीलिए जैसे बीमार होते हैं तो छुट्टी लेकर के भी इलाज करते हैं, कोई मर जाता है तो भी हम समय निकाल कर वो सारी कार्यों को जरूर करते हैं। तो जितना एक मरे हुए व्यक्ति का महत्व है, जितना हमारे बीमारी का महत्व है, उससे आधा भी अगर हम लोग भगवान के नाम को महत्व नहीं देते हैं तो हमारा आत्म कल्याण कहाँ से होगा, हमारा आत्म कल्याण कहाँ से। इसीलिए नाम बड़े विशेष है और नाम को हमें गुरुत्व देना होगा। इसी उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन के समय में हर व्यक्ति को नवीन वस्त्र धारण कराया। मतलब तुम पूजा करने जा रहे हो, यद्यपि तुम्हारे हाथ में झाड़ू है और कुल्हड़ है जिसमें पानी भर के तुम वहां पर जगह साफ करोगे, लेकिन वो जो सफाई है वो वास्तविकता में तुम्हारी आराधना है, क्योंकि भगवान वहां पर आके विराजमान होंगे। इसलिए महाप्रभु ने सबको वहां पर माला चंदन आदि अर्पण करके बड़े सुंदर तरीका से उन्होंने क्या किया, सभी को मंदिर में लेके गया। ले जाने के बाद अब सभी से वहां सफाई करवा रहे हैं। विशेषता क्या है, जो साफ करने के लिए वहां गए, कोई एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करेगा। किसी को अगर पानी चाहिए होता है, किसी को अगर झाड़ू चाहिए होता है, क्योंकि पानी ला करके पानी निकाल के उसको डालने के चक्कर में, चलने के चक्कर में कई बार घड़ों का आपस के टकराव से कई सारे घड़े टूट जाते हैं। इसीलिए जो घड़े बदल बदल के जो लोग ले रहे हैं अथवा जो लोग पानी लेकर के आ रहे हैं, वो सब एक दूसरे को केवल हरि नाम से ही संबोधन कर रहे हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा, इस प्रकार के संबोधन कर रहे हैं, वहां कोई वार्तालाप। हमको ये चीज भी बहुत ध्यान देना चाहिए, अगर हम सेवा कर रहे होते हैं कोई भी, तो अधिक से अधिक समय तक हम केवल बात ही कर रहे होते हैं। जैसे कई बार माताएं ठाकुर जी के लिए भोग आदि बनाती है, जब दो चार बेलकर, कई बार ऐसे होता है इसकी चर्चा उसकी चर्चा, पता नहीं दुनिया भर की बातें करते हुए सेवा करती है। महाप्रभु ने उसको भी समर्थन दिया नहीं, उन्होंने बोला एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप है हरिनाम के माध्यम से करना होगा, हरिनाम के माध्यम से। इसीलिए सब एक दूसरे को नाम उच्चारण करते हुए पुकार रहे हैं,
नाम उच्चारण करते हुए एक दूसरे को सब संबोधन कर रहे हैं, नाम का सहारा लेकर, नाम प्रभु का और भगवान के उस दिव्य श्री मंदिर को, वो सुंदराचल को मार्जन कर रहे हैं। मतलब है कि नाम के माध्यम से हम लोगों को हृदय को मार्जित करना होगा और साथ ही श्रद्धा पूर्वक कि नाम प्रभु का कृपा से मेरा जीवन निश्चित रूप से ही शोधित होगा और भगवान श्री राधा कृष्ण युगल मेरे हृदय में विद्यमान हो उसकी व्यवस्था हो जाएगा। अभी पानी लेकर के आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले झाड़ू लगवाया और उसके बाद पानी डालकर वो क्या किया है उसमें बताया श्री चैतन्य चरितामृत में। गुंडीचा मंदिर को क्या किया वहां पर, वो बोलते हैं निर्मल बनाया और शीतल बनाया। निर्मल मतलब है कि वहां पर किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी, धूली का कण तक भी वहां पर नहीं है। इतने सुंदर तरीका से उसको चमका दिया, इस प्रकार से चमका दिया कि नीचे देखने पर उनका अपना प्रतिबिंब वहां पर दिखलाई पड़ता है। इस तरीका से उस स्थान को मार्जित कर दिया और साथ ही उसको इतना ठंडा बनाया क्योंकि रथ यात्रा के दौरान पुरुषोत्तम धाम के अंदर का वातावरण में थोड़ा उष्णता अधिक रहता है। इस कारण से जगन्नाथ देव जी को वहां पर शीतल लगे, ठंडा लगे, उसी हिसाब से उसको व्यवस्था किया। उसके लिए क्या कर रहे हैं, पूरा साल ना जाने दुनिया भर की चीजें वहां पर जो इकट्ठे हो गए हैं उन सबको उठा उठा कर बाहर ले जा करके फेंक रहे हैं। पहले झाड़ू मारते हैं और उसके बाद सबको महाप्रभु ने कह दिया, जिसने भी जितना भी झाड़ू मार के जो भी मिट्टी इकट्ठा किया वो सब बाहर ले जा करके रखना कि मैं निरीक्षण करने आऊंगा। इसीलिए हमें समझना होगा जब हम लोग नाम करते हैं, ये नहीं समझना है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु वहां पर देख रहे हैं, गुरुदेव वहां पर देख रहे हैं कि हम कितने निष्ठा के साथ में नाम कर रहे हैं। हम लोग कई बार मेरा इतना संख्या नाम हुआ, मेरा उतना संख्या नाम हुआ, मैं ऐसा नाम किया वैसा नाम किया करके हम लोग चिंतन करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमने कितना नाम किया वो भगवान स्वयं देख रहे हैं, गुरुदेव स्वयं देख रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कह दिया, तुम लोग सारे जितने भी सफाई करोगे सब एक जगह इकट्ठा करके रखो, मैं आके देखना चाहता हूं कि किसने कितना सफाई किया। सारे झाड़ू मारकर सब इकट्ठा किया, साफ किया। फिर उसके बाद महाप्रभु ने चारों तरफ छोटे छोटे घास के तिनके वगैरह जो वहां पर पत्थरों के बीच में से उठ चुके हैं उनको भी वो सब उखड़वा के उनको भी दूर करवाया। उसके बाद पानी ला लाकर दीवारों में मारते हुए पूरी सफाइयां की है और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ देव जी का वो रत्न वेदी गर्भगृह के अंदर उस सिंहासन का मार्जन कर रहे हैं और बाकी सारे भक्त इधर उधर दीवारों में पानी मार मार कर उस स्थान को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। फिर उसके बाद अपने उत्तरी से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस सिंहासन का मार्जन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरा गुंडीचा मंदिर का मार्जन चारों तरफ से, क्या रसोई, क्या मंदिर परिक्रमा, क्या जगमोहन, क्या कुछ, हर चीज को उन्होंने अच्छी तरह से साफ करके रख दिया था कि भगवान जगन्नाथ देव यहाँ पर पधारेंगे, उसके लिए सारी व्यवस्था करके उन्होंने वहां पर रख दिया। अभी क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आके एक एक का सफाई किया हुआ उस कुंडा को देखते हैं, जो मार्जित किया हुआ धूल को देखते हैं और जिसका कम होता था उसको दंड विधान करते थे। वो क्या है, जिसका ज्यादा सफाई है उसका उन्होंने सेवा करना है। मतलब है जो व्यक्ति अगर कमजोर पड़ता है
भगवान को नाम करने में, भगवत सेवा करने में, उनके लिए महाप्रभु का दंड क्या है? जो भगवान के अच्छे से भजन करने वाले जो वैष्णव होते हैं भक्त, उनकी सेवा करना, क्योंकि सेवा करने से ही कृपा मिलेगा। इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था दिया कि आप लोग सेवा करो। जब आप लोग सेवा करोगे उन लोगों का, जिन लोगों ने प्राणपन से भगवान की सेवा किया है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भी वो योग्यता तुम्हें प्राप्त होगा, जिससे तुम भगवान का उस कृपा को लाभ कर सकोगे। मतलब तुम्हारा चित्त रूपी जो मंदिर है उसका मार्जन हो जाएगा। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुंडीचा मार्जन के रहस्य के अंदर बतलाते हैं कि जब तक कि एक व्यक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष आदि चतुर्वर्ग से निवृत्त नहीं होगा, तब तक वो कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए गुंडीचा मार्जन के माध्यम से महाप्रभु चित्त दर्पण के मार्जन का शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में हमारे अंतरंग से, हमारे चित्त में से धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर वर्णन आता है, धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य। क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर की ये जो कैतव है, कपटता है, क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा। इसीलिए ये कपटता को लेके जब व्यक्ति भगवान का आश्रय लेगा तो उसको भगवत कृपा लाभ नहीं होगा। इसलिए उस कपटता को निकाल के बाहर फेंकना होगा। ये कपटता हमारे अंदर से बाहर जाएगा कैसे? वो बोलते उसी के लिए नाम का आश्रय लेना है। नाम को ही सहारा बनाकर उस कपटता से अपने आप को मुक्त करना होगा। इसीलिए ये गुंडीचा मार्जन के नाम से ऐसी व्यवस्था दिया। अंदर जो है धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो बोलते हैं फिर तो कहा ये चतुर्वर्ग जहां चाहिए, भगवत प्रेम ही नहीं चाहिए तो भगवान हृदय में आएंगे क्यों? वह कभी नहीं आएंगे। इसलिए देखने में मंदिर मार्जन है, लेकिन हृदय को वास्तविकता में शोधन करना कि मेरा हृदय साफ हो, इसके अंदर से धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की वांछा चले जाए। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, वो बोलते हैं इनमें से मोक्ष की वांछा जो है वो कपटता की पराकाष्ठा है। जिसके अंदर ये सब है वहां पर भक्ति कभी भी अवस्थित नहीं रह सकती, और भक्ति जहां नहीं है भगवान वहां नहीं है, क्योंकि भगवान भक्ति वसिति पुरुष है, मतलब भक्ति के वशीभूत है भगवान। इसीलिए हम लोगों को वो भक्ति, वो विशुद्ध भक्ति का हृदय में अवस्थान हो, उसके लिए ही हमें गुंडीचा मार्जन का व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही हम लोगों का तप त्याग भोग योग आदि में जो रुचि है, उसके ही परिणाम स्वरूप में, ये कपटता के परिणाम स्वरूप में हमारे अंदर जितने भी अन्यान्य विकार उत्पन्न होते हैं, उन सब से भी अपने आप को शोधित करने, निवृत्त करने के लिए ही हम लोगों को ये मार्जन का व्यवस्था दिया। वास्तविकता में ये सिर्फ स्थूल मार्जन की बात नहीं है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर तो वृंदावन है। वृंदावन को कौन क्या सफाई करेगा? वृंदावन का धूल कण ही जब चिन्मय है। ये हमारे हृदय को मार्जित करने के लिए ये सारी प्रयास है, ये सारी शिक्षा है कि तुम अपने हृदय में, जैसे श्रीमती राधिका जी श्याम सुंदर से कहती है, अन्येर हृदय मौन, मोर मौन वृंदावन। दूसरों का जो मन है वो मन है, लेकिन मेरा मन मन नहीं है, मेरा मन तो साक्षात वृंदावन है। हमारा भी मन को, हम लोगों को साक्षात वृंदावन बनाना है। वो कब संभव होगा? गुंडीचा मार्जन के बाद ही संभव होगा। गुंडीचा हमारा मन है, उसको मार्जन करना होगा, अच्छी तरह से साफ करना होगा। हम तो अक्सर सुनते हैं भक्ति की लता जब वर्धित होती है तो अगल बगल में जो भुक्ति वांछा, मुक्ति वांछा आदि छोटे छोटे
पौधे निकल के आते हैं। समझदार जो किसान होता है वो क्या करता है, उन सबको तोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से, क्यों, जब अगर कोई और पौधा वहां पर बढ़ने लगता है तो मूल जो बढ़ना होता है वो नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए हमारे लिए मूल क्या है, भगवान के चरणों में एकांतिक भक्ति। भोग वास्तविकता में समस्या नहीं है, लेकिन जब भोग में प्रवृत्त जीव उस भोग के चक्कर वो क्या करता है, भगवान को भूल जाता है, इस कारण से भगवान के सन्निकट नहीं जा पाता। इसीलिए भोगों को वर्जित करने के लिए बतलाया गया है। वास्तविकता में कोई भी शास्त्र का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, हानिकारक है, लेकिन हमारा मन के अंदर स्थिरता ना होने के कारण, हम लोगों के अंदर विचलित अवस्था आने के कारण ही हमारे शास्त्रों में बतलाया कि तुम्हें मुख्य रूप से भक्ति मार्ग के ऊपर ही जोर देना होगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में और तमाम प्रकार की चीजों के बारे में भगवद गीता जी में उपदेश करने के उपरांत जब देखा कि अर्जुन इन सब चीजों को लेकर के एक तरह के कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तब भगवान अर्जुन को एक ही बात बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। इसी प्रकार से तुम सब कुछ छोड़कर मेरे एकमात्र के शरण में आओ। हम लोग भी अन्य अंगों का पालन करते हुए भगवत कृपा को कभी भी लाभ करने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए शास्त्रों ने हम लोगों के लिए पूर्ण रूप से निर्देश दे दिया कि तुम केवल भक्ति, जो कि भगवान को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है, उसी का सहारा लो। वो भक्ति को हृदय में लाने के लिए और अन्याभिलाष को परित्याग करने के लिए जो व्यवस्था दिया गया है, वही वास्तविकता में गुंडीचा मार्जन के रूप में हमारे सामने है। क्योंकि भगवान वहां पर विराजमान होंगे, वो तो भगवान के, भगवान का प्रियतम स्थान है जहां पर भगवान ने विराजमान होना ही है ना। जैसे वृंदावन है, वृंदावन भगवान को प्रिय है, उन्होंने वहां जाना ही जा। इसी प्रकार से मन के अंदर ही भगवान ने आके विराजमान होना है, लेकिन जब वो मलिन अवस्था में है तब संभव पर नहीं है। उस मलिनता को शोधन करने के लिए क्या व्यवस्था दिया, और बोलते अच्छे से उसको रगड़ना होता है। अब किससे करना होता है, बोलते नाम प्रभु के माध्यम से। नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए कठिन हो रहा है, बोलते चिंता मत करो, जो तुम्हारे आगे जितने भी वैष्णव हैं जिन्होंने अपने मन को शुद्ध करके भगवत कृपा को लाभ किया है, वो बोलते उन सब की सेवा में अपने आप को लगा लो। वही काम श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया। उन्होंने उन तमाम भक्त लोग, वैसे तो जितने भी महाप्रभु के जो मुख्य परिकर है, स्वरूप दामोदर गोविंद नित्यानंद आदि, इन सबसे अधिक अगर किसी ने इकट्ठा किया तो वो स्वयं महाप्रभु है। यहाँ तक कि 100 व्यक्तियों ने जितना काम किया, महाप्रभु अकेले उतना काम वहां पर करके दिखाया। इसीलिए बोलते हैं सारे भक्त लोगों ने जितना इकट्ठा किया वो सब मिलाने के बाद भी वो महाप्रभु ने जितनी सफाई किया उसके आगे तो वो बहुत छोटा ही दिखाई दे रहा था। भगवान होकर भक्त भाव अंगीकार करने के कारण स्वयं आचरण करते हुए जगत को शिक्षा दे रहे हैं। अगर तुम भगवान को चाहते हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान आकर के बैठे, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने चित्र रूपी जो मंदिर है, चित्र रूपी दर्पण है, उसको मार्जन करना होगा। एक माता रहती थी मुंबई में, अभी पता नहीं कहाँ है, लता उनका नाम है। उनके घर में बड़े सुंदर ठाकुर जी का विग्रह है, राधा कृष्ण का, और बातें भी बड़ी अच्छी करती है, लेकिन जब बात क्रिया का आता है, सेवा का आता है, हम जब 2 बार उनका घर गया था, देखा जहां पर घर के बाहर जहां पर नौकर रहते हैं, वॉचमैन रहते हैं, उस कमरे को
थोड़ा अच्छे तरीके से सजा कर, बढ़िया सा अच्छे कमरा बनाकर ठाकुर जी का विग्रह वहां पर रखा। तो मगर ठाकुर जी को अपने द्वार के अंदर से घर के अंदर तक लाने में ही अगर तुम्हारे हृदय में संकोच है तो फिर कृपा कहाँ से होगा। किया व्यवस्था, बाहर किया, दरवाजे के पास किया। अभी तो शायद ठाकुर जी वहां है नहीं, पुणे में है, बड़े बड़े विग्रह है, अच्छे से है, लेकिन सेवा कौन करता है। मंदिर से ब्रह्मचारी आकर 3 दिन 4 दिन में एक बार ठाकुर जी का श्रृंगार बदल देते हैं, मतलब वो माता स्वयं ठाकुर जी का सेवा ही नहीं करती, रसोई नौकर करते हैं, रसोई में चप्पल पहन के करते हैं, ठाकुर जी के लिए अलग से थाली अथवा बर्तन ये सब कुछ नहीं है। इतनी गंदी सी मतलब रसोई है, नौकर बनाते हैं, लेकर के आती है, वहां पर वो लोग लगा देते हैं, इस तरीका से सेवा चलता। ठाकुर जी को हमने रखा, इसका कोई उसका नहीं है, और महत्व क्या है। तुम्हारा मन में इतनी मलिनता है कि ठाकुर जी को रख के भी उनकी सेवा ठीक तरीका से नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ठाकुर जी होते हुए, मतलब भगवान नित्य वर्तमान होते हुए भी हमें उनका अनुभूति नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह व्यवस्था दिया कि भगवान कृपा करके तुम्हारे हृदय में पधारेंगे, लेकिन वो पधारेंगे तब जब तुम उनके पधारने के लिए, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था वहां पर करोगे। ये बात हमें समझना होगा, ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा हम लोगों को अच्छी तरीके से करना चाहिए, और अगर ठाकुर जी नहीं है तो भी नाम प्रभु के रूप में तो है ही है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। मन में गंदगी रख कर जब हम लोग हरिनाम करने का प्रयास करते हैं और अगर निष्कपट होके करते हैं तो नाम प्रभु कृपा करके हमारे मन की मलिनता को मार्जन कर देंगे, साफ कर देंगे, निकाल देंगे। और अगर वही हम लोग नाम प्रभु का आश्रय कपटता के साथ में लेते हैं तो वास्तविकता में हम अपने आप के साथ में कपटता करते हैं। इसी चीज को हमें समझना होगा। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत ये गुंडीचा मंदिर मार्जन का प्रसंग आता है, जहां पर कर्म ज्ञान योग तप त्याग भोग आदि तमाम प्रकार की वांछाओं को ये भक्ति अवरोधक रूप से वहां पर देखा गया है। इसीलिए इन सब चीजों को, स्वयं को इन सब चीजों से निवृत्त करके क्या करना होगा, नाम का आश्रय लेकर, गुरुपदाश्रय करके, वैष्णवों के अनगत में रहते हुए हम लोगों को अपने हृदय को मार्जित करना होगा, मार्जित करके उसको निर्मल करना होगा। निर्मल मतलब वहां पर धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा, रिद्धि सिद्धि अथवा किसी भी प्रकार का योग सिद्धि मोक्ष कुछ भी नहीं है। वहां पर केवल एक इच्छा है, वो है क्या, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का इस हृदय के अंदर स्वागत करते हुए श्री राधिका जी के अनुगत में उनकी नित्य सेवा में मैं रत रहूं, बस यही मेरा एकमात्र अभिलाषा है, तब जाकर भगवान का कृपा हमारे ऊपर होता है। भगवान कृपा करने के लिए आए हैं, उनकी कृपा को लेने के लिए हम लोगों को इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।